इंडस्ट्री में ज्यादातर खबरें निरहुआ, पवन और खेसारी के इर्द गिर्द बनती है या फिर उनकी लीडिंग हीरोइन आम्रपाली, काजल राघवानी और अक्षरा सिंह पर बनती है। लेकिन उनके बाद भी कई स्टार्स ऐसे हैं और कई हीरोइने ऐसे हैं जिनकी लाइफ किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आज हम ऐसे स्टार की बात करने वाले हैं जो काफी लोकप्रिय है, जो कि रिश्ते में तो निरहुआ का छोटा भाई लगता है और नाम है प्रवेश लाल यादव। जी हाँ, आज हम प्रवेश लाल यादव की बात करने वाले हैं कि जिस तरह से खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की जोड़ी है फिल्मी पर्दे पर, जिस तरह से निरहुआ और कभी पाखी हेगड़े की हुआ करती थी और अब निरहुआ और आम्रपाली की है, ठीक उसी तरह से फिल्मी पर्दे पर प्रवेश लाल यादव और शुभी शर्मा की जोड़ी है। जी हाँ, प्रवेश लाल यादव और शुभी शर्मा की ज्यादातर फिल्में एक साथ हैं और इन दोनों की जोड़ी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करती है। यहाँ एक बात जरूर कहनी पड़ेगी, भोजपुरी इंडस्ट्री के हीरो की जो वाइफ है वो बड़े प्यार से, खुले दिल से अपने पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एक्सेप्ट करती हैं और उस सच्चाई के साथ जीती हैं, न कि बॉलीवुड स्टार वाइफ की तरह घर छोड़ जाने की धमकी देती हैं या फिर डिवोर्स लेती हैं। आपके पास तो कई ऐसे उदाहरण होंगे कि जहां आपने कई बार गौर किया होगा कि भोजपुरी स्टार्स अपने वाइफ के साथ उतने कंफर्टेबल नहीं होते जितना अपने को-स्टार के साथ कंफर्टेबल होते हैं। खैर, ये बात इन स्टार्स की है, लेकिन हम तो असल मुद्दे पर आते हैं। असल मुद्दा ये है कि आज हम प्रवेश लाल यादव और शुभी शर्मा की बात करने वाले हैं। ये वही प्रवेश लाल यादव हैं जो दो बच्चों के पिता हैं, लेकिन भोजपुरी गलियारों में ये खबर बार बार उड़ जाती है कि शुभी शर्मा और प्रवेश लाल यादव में कुछ तो है। आपको ये बता दें कि कई बार ये खबरें भी वायरल हो चुकी हैं कि शुभी शर्मा और प्रवेश लाल यादव ने एक दूसरे से शादी कर ली है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये झूठी खबर है। इन दोनों के बीच इतनी तगड़ी वाली केमिस्ट्री है कि साइंस की केमिस्ट्री भी इनके सामने फीकी नजर आती है। वैसे शुभी निरहुआ कैंप की सबसे एक्टिव और सबसे पॉपुलर और सबसे लवेबल सदस्य में से एक है। निरहुआ कैंप के ज्यादातर स्टेज शो, ज्यादातर फिल्में और यहाँ तक कि ज्यादातर उनके द्वारा किए गए हर कामों में शुभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं या शुभी की मौजूदगी हर एक कार्यक्रम में होती है। ठीक उसी तरह से प्रवेश लाल यादव के लाइफ में भी शुभी शर्मा का एक अहम रोल है। ये वही प्रवेश लाल यादव हैं जिनको तभी नोटिस किया गया जब वो शुभी शर्मा के साथ है। शुभी शर्मा और प्रवेश लाल यादव की जोड़ी ज्यादातर एक साथ फिल्मों में दिखी है और ये जोड़ी अच्छी खासी दर्शकों में पॉपुलर भी है। कहा जाता है कि शुभी शर्मा और दो बच्चे के पिता प्रवेश लाल यादव की इस केमिस्ट्री से किसी को तो जलन बड़ी तेज है और वो कोई और नहीं प्रवेश लाल यादव की पत्नी है। प्रवेश लाल यादव भी अपने भाई निरहुआ के नक्शे कदम पर चलते हुए अभी तक अपनी वाइफ को कभी दुनिया के सामने नहीं लाते। ज्यादातर जगहों पर जैसे निरहुआ आम्रपाली साथ दिखते हैं, वैसे ही प्रवेश और शुभी साथ दिखते हैं। कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कहीं यही दोनों तो हस्बैंड और वाइफ नहीं है। लेकिन कहते हैं कि इनके रिश्ते में जो दूरी आई वो सिर्फ और सिर्फ प्रवेश के बीवी के यानी कि प्रवेश की पत्नी के इंटरफेरेंस की वजह से आई। उनकी पत्नी को जरा भी पसंद नहीं था कि शुभी शर्मा से प्रवेश लाल यादव इस तरह की नजदीकियां बढ़ाए और कहते हैं अपने बच्चों की खातिर प्रवेश लाल यादव ने शुभी शर्मा से वो दूरियां बना ली हैं जो उनके शादी को चलाने के लिए काफी है। ये थी हमारे आज की स्टोरी। यकीन है आपको हमारी ये स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।